हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 1 ऑन चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन। सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या है? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इक्वेशन किसे कहते हैं। अगर किसी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किसी दूसरे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इक्वल कर दें या किसी दूसरे क्वांटिटी के साथ इक्वल कर दें तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। मतलब करना क्या है कि एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और एक इधर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ या क्वांटिटी है या क्वांटिटी है। और हम दोनों के बीच में क्या करेंगे? इक्वल का साइन लगा देंगे। एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन है या एक्सप्रेशन है, क्वांटिटी है, उनके बीच में हम क्या करें? इक्वल का साइन लगा दें। इक्वल का साइन मतलब क्या करेंगे? इसको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट मीन्स इक्वल कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में क्या होंगे? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें क्या रहेंगे? वेरिएबल्स रहेंगे, उसमें कांस्टेंट रहेंगे। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनके वैल्यू क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनके वैल्यू क्या होंगे? चेंज होते रहेंगे, बदलते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। अब जैसा कि हम बोल दें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो क्या है 2x प्लस 3y? एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने क्या किया? यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया और ये क्या आ गया? 10, ये क्वांटिटी आ गया। तो क्या बन गया? ये एक इक्वेशन हो गया। मतलब क्या है कि एक पार्ट को हमने दूसरे पार्ट के साथ क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। एक पार्ट को हमने दूसरे पार्ट के साथ क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो क्या बन गया? एक इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन में क्या होते हैं? इक्वेशन में यहाँ पे थ्री पार्ट होता है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या बोला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इक्वेटी बोलेंगे, क्वालिटी बोलेंगे। एंड थर्ड वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को, इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशंस बोलेंगे। अब बात आता है लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा? ऐसा एलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के पावर 1 हो। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, यानी जितने भी वेरिएबल्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं, जितने भी वेरिएबल्स उसमें लिखे गए हैं, उन सभी वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो उस टाइप की इक्वेशन हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और ऊपर अभी एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन में हम देखें तो यहाँ x का पावर क्या है? x का पावर 1, 3 का पावर क्या है? 1। यानी जो वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में, वेरिएबल कौन कौन से हैं? x एंड y। x का पावर क्या हो गया? 1। y का पावर क्या हो गया? 1। यानी इनमें वेरिएबल के पावर क्या हो गए? 1 हो गए। तो इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब बात आता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इट मीन्स ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने वेरिएबल्स हों? सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल हों।
तो उस टाइप के इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे अगर हम लिख लें यहाँ पे 4x+9 इज इक्वल टू 3, फोर एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू 3। अब देखें ये इक्वेशन है, इक्वेशन में इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल है, तो इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कोई और एग्जांपल ले लें, 2x+1 इज इक्वल टू 3x+8। इधर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनको क्या किया गया है, इक्वेट किया गया है। अब हम देखते हैं तो x का पावर 1, इधर भी x का पावर 1, यानी लीनियर इक्वेशन हो गया। वेरिएबल की बात करें तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है। सो इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड मेथड क्या है। तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन है सो उसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है, ax+b इज इक्वल टू c। ax+b इज इक्वल टू c इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहाँ पे ए बी और सी क्या हैं, ए बी सी क्या हैं, नंबर्स हैं। ए बी सी ये क्या हैं, ये नंबर्स हैं, मतलब रियल नंबर्स हैं। एंड इसमें एक्स क्या है, एक्स जो है ये क्या है, वेरिएबल है। सो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब बात आता है कि किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हम किस तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है क्या, कि अगर कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दें और उसको इक्वेट कर दें, मतलब हम अगर इक्वेशन लिख दें 4x+8 इज इक्वल टू 16, ये एक लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब क्या है कि अगर एक्स के प्लेस पे क्या रखें कि ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, यानी एक्स का एक ऐसा वैल्यू रखना है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। और इस तरीके से जब हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सो वाट वी कैन से डैट वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम कह सकते हैं कि हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। सो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन, सो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ तरीका है, अरेंजमेंट है, हम कुछ चेंजेस करते हैं कि दोनों साइड में हम क्या करेंगे, प्लस कर सकते हैं। यानी कोई अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में अगर सेम क्वांटिटी से अगर ऐड किया जाए, सेम क्वांटिटी से प्लस किया जाए, तो उनके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब क्या किया जाए कि अगर इधर +2 किया जाए और इधर +2 किया जाए, तब भी क्या रहेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल रहेंगे। यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर सेम नंबर के साथ एडिशन किया जाए तो
उनके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल रहेगा। सेम अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में से माइनस किया जाए, सब्ट्रैक्शन किया जाए, तब भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर किसी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में किसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तब भी क्या होंगे, दोनों साइड इक्वल रहेंगे। एंड अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को डिवाइड किया जाए, एंड डिवीजन किससे होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर से, जीरो को छोड़ करके किसी अदर नंबर के साथ अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को डिवाइड किया जाए, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे किसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा कि जो भी वेरिएबल्स हैं, यानी जो भी अननोन क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखने की कोशिश करेंगे। उस क्वांटिटी को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जो क्वांटिटी नोन है जिसके बारे में हम जानते हैं उसको जनरली राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे। तो अगर फर्स्ट वाला इक्वेशन सॉल्व करना है 4x plus 8 is equal to 16, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑलरेडी क्या है, 4x जो है वेरिएबल वाला पार्ट वो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से प्लस 8 को हटाना है। तो प्लस 8 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यानी प्लस 8 कैसे हटेगा, अगर इसमें से 8 क्या करें, माइनस करें, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से 8 को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, 4x plus 8 हमने लेफ्ट हैंड साइड में से क्या किया, 8 माइनस किया। सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में से हम क्या करेंगे, 8 माइनस करेंगे। तो हमने अभी बताया कि अगर इक्वेशन में सेम नंबर से क्या करें, सब्ट्रैक्शन करें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो 8 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल, तो बचेगा कितना, इधर हो जाएगा सिर्फ 4x, और इधर क्या हो गया, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8। अब भी क्या बचा हुआ है, अब x के साथ 4 अब लगा हुआ है, इसका मतलब है क्या कि x में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें x को 4 से फ्री रखना है। तो करेंगे क्या, मतलब x में 4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4x को हम 4x को हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, एंड 8 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो जैसे ही 4x को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा x, एंड 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 2, यानी ये हो गया x इज इक्वल टू 2। इक्वेशन को क्या कर दिए हम, सॉल्व कर दिए। लेकिन हम चेक करेंगे क्या जो सॉल्यूशन आया है, जो वैल्यू आया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू को पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना है, 4x plus 8, और x का वैल्यू आया कितना है, x का वैल्यू 2 आया है, x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2, 4 multiply 2 plus 8, 4 multiply 2 कितना हो गया, 8 plus 8, ये कितना हो गया, 16, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो x का वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, राइट हैंड साइड का इक्वल हो जाए। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू 2। 2 एक ऐसा वैल्यू है जो x के प्लेस पे रखने पर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ओके गाइस, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1 ऑफ NCERT बुक। थैंक यू।